अरे बोल छोटे पेपर ऑनलाइन बोल की क्या मांगे आप, क्या मांगे आप? हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, हमें बिल्कुल स्टडी नहीं की है, ऑफलाइन ऑनलाइन बिल्कुल स्टडी नहीं हुई हमारी, हमें ऑफलाइन एग्जाम चाहिए, ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम चाहिए हम लोग, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है ना वो ऑनलाइन ही पढ़ा हुआ है, तो आप भी समझते हैं कि ऑनलाइन जो नेटवर्क होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, इसकी वजह से हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है, और बीच में तो इतनी सारी छुट्टियां आ जाती थी तो इसलिए हमने प्रॉपरली पढ़ा नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो हम ऑनलाइन ही पेपर दें हमारे, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में ऑनलाइन ही पेपर दिए जा रहे हैं, तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम अपने एग्जाम जो है वो ऑनलाइन दें, क्योंकि हमने जितना पढ़ा ऑनलाइन ही पढ़ा हुआ है, तो हम सुबह से इधर बैठे हुए अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर ही दिए जाए हमारी तरफ से, हमारी जो पढ़ाई है वो सारा पूरे साल में हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई, तो फिर हमारे एग्जाम ऑफलाइन क्यों, हमारे एग्जाम ऑफलाइन क्यों, अगर हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया तो फिर एग्जाम ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन में किसको समझ आते सर, मैथ्स ऑनलाइन कौन समझ सकता है, फिजिक्स कौन समझ सकता है सर, या ऐसे सब्जेक्ट है वर्कशॉप के प्रैक्टिकल्स वगैरह, या ऐसे सब्जेक्ट है जो सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन ही समझे जा सकते हैं, कॉलेज जाके ही समझे जा सकते हैं, हमारी माँ अभी दो दिन हुए हमें डेट शीट बता दी गई है कि हमारे 25 को एग्जाम है, अभी दो दिन में हम कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे हम सब, अभी हमें अभी सिर्फ दो दिन हुए और हमें अचानक कह दिया गया कि आपके 25 से पेपर हैं, सर इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे, बच्चों की असाइनमेंट नहीं कम्प्लीट है, पेपर कैसे करेंगे, हम सुबह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई टीचर प्रिंसिपल मैम कोई हमें पूछने नहीं आया, आप सुबह से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, अगर एक घंटे तक अंदर से कोई हमारी बातें सुनने नहीं आया तो हम हाईवे की तरफ प्रोटेस्ट करेंगे, जिंदाबाद 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 जि